नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुड मॉर्निंग इंडिया। गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। जी हाँ, एक तरफ जहां दिल्ली के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, वहीं भारी बारिश की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जलजमाव मुसीबत बना हुआ है। दिल्ली में भारी बारिश से सड़कों पर जलजमाव की वजह से गाड़ियों की रफ्तार सुस्त पड़ गई है और ऐसे में दिल्ली के आईटीओ इलाके में यातायात प्रभावित भी हुआ है। वहीं बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक बारिश होने की वजह से दिल्ली में तापमान में भी गिरावट आई है और ऐसे में राजधानी में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं दिल्ली एनसीआर में कल यानी कि शुक्रवार शाम से ही बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था और ऐसे में मौसम विभाग ने दिल्ली में आज यानी 21 अगस्त को बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया हुआ है। ऐसे में मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज यानी कि शनिवार को मध्यम बारिश होगी और मौसम के पुनः अनुमान के मुताबिक दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं 23 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तो ऐसे में दिल्ली में अब बारिश पड़ी है, इतने दिन बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन ये बारिश अपने साथ तमाम मुसीबतें तमाम दिक्कतें लेके आई हैं जो अब लोगों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में जलजमाव जैसी स्थिति हो गई है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे दिल्ली एनसीआर की बात कर ली जाए, चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, आसपास के कई इलाके हों, गुड़गांव हो, तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर पानी पूरी तरह से भर गया है और यातायात पर भी इसका असर देखा जा रहा है। गाड़ियों की रफ्तार पूरी तरह से सुस्त हो गई है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं हमने टीवी स्क्रीन पर, पानी कितना ज्यादा भर गया है। दिल्ली हो, नोएडा हो, तमाम जगह पानी बहुत ज्यादा भर गया है और दिल्ली में तो कई अंडरपास ऐसे हैं जो पूरी तरह से पानी भरने की वजह से बंद भी हो गए हैं। तो दिल्ली में बारिश जरूर पड़ी, लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन ये बारिश मुसीबत बनकर आई है। तो बता दें आज दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल ही कहा था कि दिल्ली में बारिश पड़ेगी आने वाले दिनों में। हालांकि कल शाम से ही दिल्ली में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था, धीरे धीरे बारिश पड़ रही थी। आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिल्ली में जारी है और आसपास के इलाकों के लिए भी। और साथ ही आपको बता दें कि 23 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। ऐसे में अब दिल्ली में जब इतने दिन बाद बारिश पड़ी, क्योंकि बीते कई दिनों से लोग उमस भरी गर्मी से जूझ रहे थे और गर्मी से परेशान थे, लेकिन आज जब दिल्ली में लोगों को राहत मिली तो वो राहत भी मुसीबत बनकर अब लोगों के सामने आ रही है। हालांकि तापमान में भी गिरावट दर्ज हुई है, मौसम काफ़ी सुहाना हो गया है, लेकिन ऑफिस जाने वाले लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो सुबह की शिफ्ट वाले लोग होते हैं उन्हें अपने ऑफिस पहुंचने में तमाम दिक्कतें हुई और क्योंकि सड़कों पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, कई कई फिट पानी भरा हुआ है, तो ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें लोगों को अब झेलनी पड़ रही हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ गाजियाबाद से जितेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, दिल्ली एनसीआर की बात कर ली जाए तो झमाझम बारिश हुई है, राहत जरूर मिली है, गाजियाबाद के क्या हाल है, क्योंकि दिल्ली में तो कई जगह जलजमाव हो गया है। देखिए, ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि जिस तरीके से बारिश हो रही है उस तरीके से पहले से ही इंतजाम कर लेने चाहिए थे, क्योंकि अंदेशा था तेज तपती धूप से राहत नहीं मिल रही थी लोगों को। हालांकि लोगों को जरूर राहत मिली है, लेकिन जलभराव के कारण आम जन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गए हैं। लोग जो दफ्तर के लिए निकले हैं सुबह सवेरे, उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव की स्थिति ऐसी है कि सड़कों पर पानी भरा हुआ, गली मोहल्लों में भी पानी भर गया है। हालांकि लोग काफी परेशान थे, बीते दिनों काफी गर्मी थी और गर्मी से जरूर राहत मिली है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों को गर्मी की वजह से परेशानी हो रही थी वो भी एक परेशानी थी, क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था और अब जब बारिश हुई है तो जब बारिश के कारण परेशानी हो रही है। हालांकि बारिश से लोगों को राहत मिली है, लेकिन जिस तरीके से निगम को काम करना चाहिए, बारिश को लेकर एक तैयारी होती है, जलभराव अगर कहीं होता है तो उसको ड्रेनेज के लिए एक पूरी तैयारी की जाती है, वो तैयारी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नजारा दिखी है। जी जितेंद्र, गाजियाबाद में कितने ऐसे इलाके हैं जो बारिश की वजह से प्रभावित हो गए और कहां-कहां जाम जैसी स्थिति भी है?
की बात की जाए तो गाजियाबाद में गौशाला फाटक का एक अंडरपास पड़ता है, साइट फोर इंडस्ट्रियल एरिया का अंडरपास पड़ता है, वो सब प्रभावित हुए हैं क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहां पर गाजियाबाद के लोग नोएडा के लिए निकलते हैं, अंडरपास का इस्तेमाल करते हैं। साइट फोर इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जाए तो साइट फोर इंडस्ट्रियल एरिया में लोग जाते हैं आनंद विहार की तरफ, तो वहाँ उन जगहों पर पानी भरा हुआ है और काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में निगम को पूरी तरीके से जितेंद्र, आनंद विहार और वैशाली शायद दोनों ही इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। जी ये कहना बिल्कुल ठीक है क्योंकि देखिए यहाँ पर जल भराव की स्थिति ज्यादा होती है, निगम को भी इस बारे में पूरी तरीके से जानकारी है, बावजूद इसके अभी तक पानी नहीं हटाया गया है, लोगों को खासा परेशानी हो रही है। हालांकि ये कह सकते हैं, ये कहना बिल्कुल ठीक है क्योंकि रात से ही झमाझम बारिश हो रही है, निगम को सुबह से ही अलर्ट होना चाहिए था, ड्रेनेज के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए थी क्योंकि मशीनें पर्याप्त है गाजियाबाद जिले में, निगम के पास पूरी पूरी बड़ी बड़ी मशीन है। ऐसे में अगर निगम पूरी तरीके से सक्रिय हो तो इस तरीके की जलभराव की स्थिति ना हो। जी जी बिल्कुल जितेंद्र, ना तो दिल्ली में नगर निगम ने इस ओर ध्यान दिया ना ही गाजियाबाद में, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि अचानक से बारिश आई हो, कल शाम से ही, कल दिन से ही बारिश का मौसम था और ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया था और लगातार संभावना जताई जा रही थी, लेकिन उसके बाद भी नगर निगम की तरफ से कोई तैयारी नहीं थी और नतीजा ये कि आज लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। देखिए ये बिल्कुल कहना ठीक है कि निगम ने तैयारी नहीं की क्योंकि जिस तरीके से गर्मी का प्रभाव बढ़ा था, अंदेशा ये जताया जा रहा था कि इसके बाद बारिश हो सकती है और बारिश भी काफी ज्यादा समय तक के लिए होगी, और अगर बारिश लंबे समय तक होती है तो जाहिर तौर पर जलभराव की स्थिति पैदा हो सकती है। अब ऐसे में निगम अलर्ट होना चाहिए था। दिल्ली की अगर बात की जाए, दिल्ली में भी एमसीडी विभाग है जो कि पूरी तरीके से सक्रिय नहीं है। मिंटो रोड की अगर बात की जाए तो वहां पर अंडरपास में पानी भरा हुआ है, ऐसे में जलभराव की स्थिति को लेकर जो लोग और जितेंद्र, ये मिंटो रोड वही है जिसमें पिछले साल बारिश के दौरान एक बस भी फंस गई थी और कई यात्री भी फंस गए थे, लेकिन उसके बाद भी नगर निगम की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया और इस साल भी हालात एकदम सेम है। देखिए दिल्ली में एमसीडी पूरी तरीके से सक्रियता की बात करती है, बावजूद उसके मिंटो रोड का जो फ्लाईओवर जो अंडरपास है उसमें लगातार पानी भरता है, साल दर साल वहां पर कोई भी ऐसी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए तैयारी नहीं की जाती। बस अगर प्राइवेट वाहन की बात की जाए, बस की बात की जाए या टू व्हीलर की बात की जाए, टू व्हीलर वालों को तो खासा परेशानी होती है, बस जो कि काफी बड़ी बस होती है, अगर यूं कहें कि उसके साइज की बात की जाए तो एक बड़ा आकार होता है दिल्ली की बसों का, वो बस पूरी की पूरी डूब जाती है क्योंकि अंडरपास में काफी ज्यादा पानी भर जाता है। ऐसे में एमसीडी को काम करना चाहिए, अगर जल भराव होता तो वहां पर ड्रेनेज की स्थिति, क्योंकि मशीनें हैं सब, दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए, यूपी की बात की जाए, गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर, नोएडा की बात की जाए, सबके पास में मशीनें पर्याप्त हैं। अब ऐसे में अगर ये सक्रियता दिखाई जाए, क्योंकि अगर वहां से जल भराव की स्थिति होती है और आमजन अस्त व्यस्त हो जाता है तो जाहिर तौर पर ये जो विभाग है इनको सक्रियता जरूर दिखानी चाहिए। देखिए अगर यही सक्रियता लगातार जारी रहे तो जाहिर तौर पर जो इस तरीके से पानी भरा है और लोगों को परेशानी हो रही है उससे कहीं ना कहीं निस्तारण हो सकता है। जी जी बिल्कुल। चलिए जितेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पूरे दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश जरूर हुई है लेकिन हालात जो है वो लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर पानी बहुत ज्यादा भर गया है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद में भी कई अंडरपास ऐसे हैं जो पूरी तरह से पानी से लबालब हैं, दिल्ली में भी कई अंडरपास में पानी पूरी तरह से भर चुका है, वहीं नोएडा की बात कर ली जाए, गुरुग्राम की बात कर ली जाए, ग्रेटर नोएडा की बात कर ली जाए, सब जगह एक सी ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। ऐसे में नड्डा उत्तरी हरिद्वार स्थित निजी होटल में दो दिन रुकेंगे और जेपी नड्डा आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में भी बीजेपी में अपनी कमर कस ली है और इसी को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड के दो दिवसीय दौरे पर है। ऐसे में जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद नड्डा का उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष
मदन कौशिक ने स्वागत किया और लगातार हो रही बारिश के बावजूद भी एयरपोर्ट से हरिद्वार में एक होटल तक जाने के रास्ते में भानियावाला, छिद्दरवाला, नेपाली फार्म और रायवाला कई जगहों में दोनों तरफ पार्टी कार्यकर्ता जेपी नड्डा के स्वागत के लिए खड़े दिखे। ऐसे में चुनाव में कैसे फतेह हासिल करनी है इससे लेकर जेपी नड्डा में कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा नड्डा की पार्टी विधायकों, धामी, मंत्रिमंडल के सदस्यों, प्रदेश बीजेपी के पदाधिकारियों, कई मोर्चों के प्रमुखों के साथ भी करीब आधा दर्जन बैठक करेंगे और नड्डा सैनिकों के साथ भी बातचीत करेंगे और साधु संतों से भी वो मुलाकात करेंगे। तो बता दें जेपी नड्डा द्वार पहुंचे थे जहां पर वो कई आधे दर्जन से ज्यादा बैठक करेंगे। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं बीजेपी पूरी तरह से सक्रिय हो रही है, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो। उत्तराखंड में भी अब चुनावों की तैयारियां जोरों शोरों से बीजेपी की तरफ से की जा रही है। ऐसे में जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे हैं अपने दो दिवसीय दौरे के लिए और ऐसे में जेपी नड्डा इस दौरान बता दें एक दर्जन के करीब बैठकें करेंगे और पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी उनका स्वागत किया और भारी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर नजर आए। उत्तराखंड विधानसभा का 23 अगस्त से मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। जी हां, सत्र की शुरुआत विपक्ष के हंगामे के साथ होने वाली है और ऐसे में सत्र की तैयारियों और सत्र को शांतिपूर्ण चलाने के लिए विधानमंडल दल और कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी ली जा चुकी है। ऐसे में मॉनसून सत्र में राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार की पहली अग्नि परीक्षा भी होगी। वहीं विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, देवस्थानम बोर्ड समेत कई मुद्दों को सदन में उठाने जा रहा है। ऐसे में कुल मिलाकर सदन की हंगामेदार शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में सवाल यह है कि क्या सदन में जनहित से जुड़े मुद्दों पर काम होगा या सिर्फ विपक्ष के हंगामे की तरह ही भेंट ये सत्र भी चढ़ जाएगा। मोदी जी जब सबसे देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर अभी तक जो उनके 7 वर्षों का लगभग कार्यकाल हो गया है, इन 7 वर्षों में बहुत ही मैं कहूँ कि अभूतपूर्व काम उत्तराखंड राज्य के लिए हुए हैं। उसमें से मैं कई बार आप सब लोगों से चर्चा कर चुका हूँ लेकिन आज औपचारिक रूप से चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के समक्ष में उपस्थित हुआ हूँ तो उसमें सबसे पहले जो हमारे यहाँ पर ऑल वेदर रोड हैं उसमें कई हजारों करोड़ रुपए का यहाँ पर स्वीकृति हुई है, उसमें काम चल रहा है। इसी तरीके से भारतमाला प्रोजेक्ट, उसमें भी पूरे प्रदेश के कोने कोने तक और राज्य के सुदूर स्थानों तक जो है और बड़े बड़े मार्ग, नेशनल हाईवे जिस तरीके से बने हैं वो पहले कभी नहीं बने थे और इन 7 वर्षों में ही इन पर बहुत तेज़ी से काम हुआ है और कुछ तो पूरी हो गई है और कुछ पूरी होने के कगार पर हैं। चमोली बद्रीनाथ धाम की यात्रा खोलने को लेकर पांडुकेश्वर में हंगामा। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी और समर्थकों को पुलिस ने रोका। बता दें बद्रीनाथ धाम के तीर्थ यात्रा शुरू करने की मांग पर कांग्रेस बद्रीनाथ धाम के लिए कूच किया है और वहीं इस कूच में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। पूर्व मंत्री राजेंद्र भंडारी के नेतृत्व में बद्रीनाथ कूच किया गया था। हालांकि वहीं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस ने पांडेश्वर के में रोक दिया था जहां प्रदर्शनकारियों और पुलिस कर्मियों के बीच नोकझोंक भी हुई और इस कूच को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से पांडुकेश्वर में बद्रीनाथ हाईवे पर बैरिगेटिंग लगाई गई और इस दौरान करीब 200 पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी यात्रा संचालन को लेकर स्थानीय लोगों का धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम भी देखने को मिला और इससे पहले भी कई बार स्थानीय लोगों ने 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। बता दें कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 4 धाम यात्रा अभी शुरू नहीं की गई है और ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिले के लोगों के लिए यात्रा शुरू करने की अनुमति दी थी। पूरे उत्तराखंड के 4 धाम के लोग यात्रा बंद होने से आज परेशान हैं।
नेताओं की एक एक लाख की रैली हो रही है, वहाँ कोरोना नहीं है। केवल चार धामों के कपाट खोलने में कोरोना हो रहा है। लोगों के हजारों घरों की रोजी रोटी आज इस चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई है। लोग होटल वाले, ढाबे वाले, फूलमाला वाले, घोड़े वाले, खच्चर वाले, मजदूर आज सब बेघर हो गए हैं। लोगों की रोजी रोटी छिन गई है और भाजपा पूरे देश में चुनाव में तो जा रही है, रैलियां तो कर रही है, और चार धाम के अंदर खोलने में कह रही है कि यहाँ कोरोना हो गई है, क्योंकि इन्होंने न्यायालय में ठीक से पैरवी नहीं की है। ये जानबूझकर के न्यायालय में ठीक से पैरवी नहीं कर रहे हैं, जिससे ये लेट हो रही है। उत्तराखंड में तोता घाटी के पास मलबा गिर जाने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बाधित हो गया है। जी हां, बारिश की वजह से हाईवे पर चट्टान नीचे आ गई है, जिससे वाहनों की आवाजाही भी रुक गई है। ऐसे में एनएच प्रशासन रास्ता साफ करने में जुट गया है और मार्ग बाधित होने पर ऋषिकेश से वाहन नरेंद्र नगर होकर श्रीनगर भेजे जा रहे हैं। शनिवार सुबह तक मार्ग पर वाहनों की आवाजाही शुरू होने की बात एनएच प्रशासन की तरफ से कही गई थी, लेकिन अब तक भी यातायात जो है वो शुरू नहीं हुआ है। ऐसे में हाईवे बाधित होने से प्रशासन ने भद्रकाली नरेंद्र नगर होकर यातायात को डाइवर्ट किया है और बारिश के चलते लगातार दरअसल मलबा गिर रहा है, जिससे मार्ग खोलने में समय लग सकता है। वहीं प्रशासन ने तोता घाटी में फंसे वाहनों को वापस लौटा दिया है और बता दें छोटे वाहन ब्रह्मपुरी और नरेंद्र नगर होकर वापस भेजे गए थे, जबकि भारी वाहन भद्रकाली नरेंद्र नगर होकर भेजे गए। एनएच के कई बीएन द्विवेदी का कहना है कि यातायात बहाली के लिए मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया है और जल्द ही यातायात खोल दिया जाएगा। काशीपुर के अली खां में संचालित बर्फ फैक्ट्री सील मानकों की अनदेखी के चलते प्रशासन ने फैक्ट्री सील कर दी है। दरअसल प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की अनुमति बिना चल रही थी ये बर्फ फैक्ट्री और ऐसे में नायब तहसीलदार और राजस्व टीम ने इसको सील कर दिया है। नवंबर 2020 में प्रदूषण मानकों की अनदेखी और अमोनिया गैस के रिसाव के खतरे को देखते हुए ये कार्रवाई की गई है और ऐसे में प्रशासन के मुताबिक काफी समय पहले इस फैक्ट्री को बंद करने और इस पर सुरक्षित जगह पर स्थानांतरित करने का आदेश दिए गए थे, लेकिन प्रशासन के आदेशों की अनदेखी की गई, जिसे लेकर प्रशासन को यह कार्रवाई करनी पड़ी। आपको बता दें कि इस फैक्ट्री का संचालन रईस अहमद पुत्र खलील अहमद कर रहे थे और फैक्ट्री में अनियमितता और नियम के उल्लंघन के संबंधित शिकायत 2013 में भी दर्ज की गई थी, जिसके बाद मामले में साल 2013 में रिसाव को लेकर प्रभारी निरीक्षक से जांच कराई गई, जिसमें फैक्ट्री अवैध पाई गई थी। आदेश था एसडीएम साहब का कि इसको अन्यत्र करें, स्थानांतरित करें करके, और ये आदेश भी आज का नहीं, कई एक मिनट बता देता हूँ आपको, आदेश भी ये 26/11/2020 का है, तब से ना ही हटाई गई ना बंद करी गई, इसलिए इसको आदेश था कि तुरंत इसको बंद करे जाए करके, तो इसलिए हम लोग आए यहाँ। तो आदेश इतने दिन तक थे, तो आप लोग क्या कर रहे थे इतने दिन तक? नहीं, हमें आज ही वो हुआ है कि आज ही करना है करके। ये आदेश आपको एसडीएम कार्यालय से कब प्राप्त? आज मिला है, आज हुआ है। हाँ। इतने दिन से फिर ये आदेश किसने दबा के रखे हुए? ये पता नहीं है, इसका पता कोई नहीं। ये आप बता रहे हैं काफी पुराने आदेश हैं, आपके कार्यालय को कब प्राप्त हुए, उसकी तिथि कोई जानकारी दे पाएंगे आप? ये तो मैं नहीं दे पाऊंगा, मुझे तो आए हुए भी एक हफ्ता हुआ है यहाँ। अच्छा अच्छा, तो ये आदेश इसका मतलब इतने दिनों तक अगर रोक के रखा तो कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारी की भी मिली भगत होगी इतने टाइम तक अगर ये फैक्ट्री चल रही है। मालिक को तो दिखा दिया ही होगा आदेश, कॉपी तो होगी मालिक का, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की इसमें। लालकुआ में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद रैली को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा ने फ्लॉप करा दिया। जी हां, उन्होंने इसे बीजेपी का नाटक बताया और कहा कि बीजेपी रैली के माध्यम से लोगों को असल मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम कर रही है। एक कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरेंद्र बोरा ने कहा कि बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली में कोई जनाधार नहीं था। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि रैली में बीजेपी दो गुटों में बढ़ती नजर आई। उन्होंने कहा कि रैली में क्षेत्रीय विधायक और पूर्व दर्जा मंत्री के बीच हुई धक्का मुक्की ने साबित कर दिया कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, भाजपाई आपस में ही लड़ रहे हैं, उनका ध्यान जनता की ओर नहीं है। गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।